हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सोल्यूशन स्टॉक में। आज हम लोग एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी भी वेबसाइट को बिना किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किए हुए कैसे आप अपने कंप्यूटर में ब्लॉक कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किए हुए। वीडियो को आप प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमको सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि किस वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है। तो चलिए मैं एक वेबसाइट यहाँ पे, जैसे कि आपको मान लीजिए फेसबुक ब्लॉक करना है, तो आप फेसबुक पहले यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि फेसबुक हमारी ओपन हो रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे फेसबुक पहले ओपन करेंगे, देख लेते हैं ओपन हो रही है नहीं हो रही है। ये हमने फेसबुक पे क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं फेसबुक हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रन हो रही है। तो चलिए आज हम अगर फेसबुक को अपने को ब्लॉक करना है या फिर आप कोई भी वेबसाइट ब्लॉक करना चाहें तो कैसे ब्लॉक करेंगे, तो हम लोग फेसबुक को आज ब्लॉक करके देखेंगे कि कैसे बिना सॉफ्टवेयर का उपयोग किए हुए वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है। चलिए तो इसके लिए हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, सी ड्राइव में क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में क्लिक करने के बाद विंडोज़ के अंदर क्लिक करेंगे। विंडोज़ के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर होता है सिस्टम 32 का, उसको सर्च करेंगे सिस्टम 32 का। इसके बाद ड्राइवर्स नाम का फोल्डर ओपन करेंगे, इसके बाद PTC का। आप देख सकते हैं जैसा कि सबसे पहले हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया, फिर लोकल डिस्क सी पे, फिर विंडोज़ पे, फिर सिस्टम 32 पे, फिर ड्राइवर्स पे, फिर ETC पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पांच फाइलें आपको दिख रही हैं। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है, होस्ट जो फाइल है इसको ओपन करना है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ नोटपैड में ही आपको ओपन करना है। नोटपैड में हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है 127.0.0.1, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा पॉइंटर जा रहा है, उसके नीचे हम एक नया होस्ट क्रिएट करेंगे। एड्रेस रहेगा 127.0.0.2 और इसके आगे हम जिस वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है उसका URL लिखेंगे। हमको वेबसाइट ब्लॉक करना है फेसबुक की, www.facebook.com, ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे facebook.com। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप चाहें जितनी सारी वेबसाइट आपको अगर ऐड करना चाहें तो आप जो है तो 127.0.0.3 आपका लास्ट वाला जो ये डिजिट है ये बदलता जाएगा और उसके ठीक आगे आप उस वेबसाइट का URL ऐड करते जाएंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। इसको भी हमने क्लोज कर दिया। हम वापस देखेंगे वेबसाइट को, उसी वेबसाइट को ओपन करके जिस वेबसाइट को हमने पहले ओपन किया था, और अभी ब्लॉक करने के बाद वापस उसको ओपन करेंगे कि क्या ओपन हो रही है नहीं ओपन हो रही। तो चलिए हमने गूगल ओपन किया, यहाँ से हम फेसबुक का भी एक्सेस करेंगे। गूगल हमारा ओपन हो गया, यहाँ पे हम वापस फेसबुक को ओपन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो वेबसाइट, जो हमने फेसबुक का URL वहाँ पे ऐड किया था, वो वेबसाइट हमारी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। आप इस तरीके से और जितनी चाहें वेबसाइट्स आप ब्लॉक कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट का आप URL वहाँ पे ले जा करके पेस्ट करेंगे तो आपकी वो वेबसाइट, और इसके बाद जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद वो वेबसाइट आपकी ब्लॉक हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।